कभी मैं कर चुकी हूँ बिग बॉस 4। हाँ डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी, क्योंकि वही एक शो है जो एक रियलिटी शो है जो मैं वापस करना चाहूंगी बिग बॉस, क्योंकि खतरों से मुझे खतरा लगता है। गलत हो जाते तो फिर मुझे लगता है यार मैंने जल्दबाजी में क्यों ले लिया है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। वेब सीरीज मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। आई लव माई लैशेज मोर देन एनीथिंग। मैं बिना देखे मोबाइल पे मैसेजेस टाइप कर सकती हूँ। मेरा फेवरेट कलर कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं है, चेंज होता रहता है मूड और सीजन के हिसाब से। आई लाइक ब्राइट कलर, समटाइम्स आई लाइक पेस्टल शेड्स ऑल्सो। मुझे वाइट भी पसंद है, ब्लैक भी पसंद है, तो मतलब फॉर मी टू फिगर आउट इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है। फूड इज अगेन एज आई सेड आई एम वेरी मूडी, डिपेंड्स ऑन द मूड कम्प्लीटली। मुझे इंडियन खाना दाल चावल तो सबसे फेवरेट है, जो मैं कभी भी खा सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा आई लव घर का खाना, फिर वो मम्मी के हाथ का कुछ भी टेस्टी सा बना हो मज़े का लगता है। अगैन जब आप किसी फेस्टिवल में जा रहे हो या किसी ऐसी सेरेमनी में जा रहे हो जहाँ पे इंडियन पहनना है, तो वहाँ इंडियन, नहीं तो कैजुअली वेस्टर्न। बैड हैबिट इज डिसीजन लेने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो दिस इज़ बैड, क्योंकि जब मैं कभी कभी डिसीजंस ले लेती हूँ वो गलत हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है यार मैंने जल्दबाजी में क्यों ले लिया है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो दिस इज माय बैड। रियली मॉम डैड ने रखा है बचपन से, मैं छुपाती आ रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों छुपाती हूँ, इट्स ओके, लवली सारा से भी बड़ा है, असली नाम से भी बड़ा। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो टीवी की वजह से हूँ, और वेब सीरीज मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी और भी ज़्यादा, सो दोनों इक्वली। हर चीज़ आई लव अबाउट माई सेल्फ, आई लव माई लैशेज मोर देन एनी थिंग। ऐसे बिदाई इज ऑफकोर्स माई फेवरेट शो, क्योंकि उसमें वो शो ही अलग था, वैसा शो ही अभी तक नहीं बना है। और बाकी मैंने आई डिड बेखुदी फॉर पाकिस्तानी चैनल, that was after bidai, that was my favorite. मैं बिना देखे मोबाइल पे मैसेजेस टाइप कर सकती हूँ। और पहले बिदाई के टाइम पे तो मैं ऐसे मतलब शॉर्ट दे रही हूँ, नीचे टाइप कर रही हूँ, which is very bad thing, but है एक यूजलेस सा टैलेंट। यस मुझे एलर्जीज है नेगेटिव लोगों से। बिग बॉस, क्योंकि खतरों से मुझे खतरा लगता है। मैं अभी ऑनेस्टली बिग बॉस देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे देखना है, काफी सुन रही हूँ उसके बारे में, काफी कमाल का चल रहा है, तो देखना है मुझे। कभी मैं कर चुकी हूँ बिग बॉस 4। हाँ डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, क्योंकि वही एक शो है जो एक रियलिटी शो है जो मैं वापस करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, कीप कमिंग टू पलकों की छाँव में 2 के सेट पे, आप आते रहिए और हमसे बातचीत करते रहिए और लोगों तक हमारा प्यार पहुँचाते रहिए। थैंक यू देसी फीड के सभी व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव।